हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। स्लीप हाइजीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। लोगों को नींद नहीं आती, इसलिए लोग दवाई खाते हैं, और वो दवाई से मुक्तता कैसे मिलाना, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना दवाई की अच्छी नींद कैसे आप ले सकते हो। क्या होता है कि एक तो सोने के कम 3 घंटा पहले आपका भोजन होना जरूरी है, ताकि आपका पेट जो है ना वो तब तक हल्का हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आ सकती है। फिर दूसरा ये है कि आप जब सोते हैं तो बेडरूम में बाकी कोई भी चीज़ें नहीं होना, जैसा कि टीवी है वो देख रहे हैं, कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, फिर मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे कोई भी जो स्टिमुलेट करने वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें रूम में नहीं होना, ताकि वो आप लेते हो और वो उसके ऊपर काम करने की इच्छा होती है, टेम्पटेशन हो जाता है, आप काम चालू कर देते हो। और होता क्या है कि उसका जो लाइट है वो लाइट अपने आँखों से ब्रेन में जाता है ना, तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये दिन ही चालू है, या उसको स्टिमुलेशन मिलता है, मतलब अपना जो साइकिल रहता है, सर्केडियन रिदम, कि नहीं अभी रात हो गई, और रात होने का जो संकेत ब्रेन को मिलता है और अपने को नींद आना चालू हो जाता है, तो उसमें वो संकेत जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइट जब अंदर जाती है। तो इसलिए मोबाइल का लाइट, कंप्यूटर का लाइट, टीवी होगा या और भी कोई अपने हाथ में, बाकी भी कोई खिलौने होंगे अपने बेडरूम में, तो वो भी जिसके लाइट अपने दिमाग मतलब आँख 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 के ऊपर आ सकते हैं, वो टालना जरूरी है। वैसे सोने के पहले हॉरर मूवीज़ या बहुत एक्साइटिंग मूवीज़ ऐसे बिल्कुल देखने का नहीं है। एकदम ऐसी मूवी देखना है कि जो मतलब मूवी देखो ही मत, मैं तो बोलता हूँ, पर ऐसे कोई लाइट लाइट कोई देखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बेस्ट सोने के लिए बेस्ट जो है वो एक आधी किताब पढ़ना। और जो किताब ऐसी होंगी कि जिसमें बड़े लोगों के चरित्र होते, ऑटोबायोग्राफी होंगी, या फिर कोई ऐसी मोटिवेशनल किताब है, या मतलब ऐसे कोई पढ़ाई की किताब है कि जो किताब पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। जब आप सोते हो तो कमरे में बिल्कुल आवाज़ नहीं होना, आजू बाजू में ऐसा मतलब होने को होना कि भाई आवाज़ हो रहा है, बाकी कोई लोग टीवी देख रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो ऐसे रहे तो नींद नहीं आएंगी। आपका बेड जो है वो सिर्फ दो ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, एक तो सोने के लिए और दूसरा सेक्स के लिए। मतलब बेड के ऊपर लेट के किताबें पढ़ने का नहीं, बेड के ऊपर लेट के मोबाइल सुनना, देखना मोबाइल में, या कोई गेम्स खेलना ऐसा करना नहीं, ताकि संकेत जो ब्रेन को मिलते हैं वो फिर बराबर मिलते नहीं हैं। बेड अपने ब्रेन को ऐसी आदत होना चाहिए कि बेड पे गए तो वो कंडीशनिंग होना चाहिए कि बेड पे जा रहे हो तो अपने को नींद नहीं आएंगी। इसलिए बेड का इस्तेमाल सिर्फ नींद के लिए और सेक्स के लिए करना है। तो दूसरा है कि कुछ लोगों को नींद के पहले यदि लुकवार्म वाटर पीते हैं, लुकवार्म वाटर से स्नान करते हैं तो अच्छी नींद आती है, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ लोगों को जैसा मिल्क मतलब दूध पीने से उनको ज़रा दिमाग को अच्छा लगता है, और ठंडा दिमाग ठंडा मतलब मिल्क पीते हैं तो लोगों को नींद आती रहती है और लोग अच्छा मतलब सो सकते हैं। बेड के ऊपर 15-20 मिनट के ऊपर सोने का ही नहीं, मतलब समझो 10-15 मिनट नींद नहीं आ रही है तो लेटे रहेंगे ऐसा करने नहीं है। नींद नहीं आ रही है चलो उठ के बाहर निकल जाना, कमरे के बाहर निकल जाओ और फिर वहाँ जाके किताब पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेड के ऊपर लेटे हुए 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मतलब लेटे नींद नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि नींद नहीं आई, नींद नहीं आई उसका टेंशन आता है, और नींद नहीं उसका टेंशन आता है, फिर और नींद नहीं आती। वैसे बेडरूम में क्लॉक मत रखो, वॉच मत रखना, क्लॉक नहीं होना, क्योंकि वहाँ फिर वो उसकी आवाज़ टक 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 आती रहती है रात को, और फिर उसके तरफ देखते रहते हैं और नींद नहीं आए तो फिर और परेशानी होती जाती है। तो वो क्लॉक नहीं रखना है बेडरूम में, और वो यदि आप करते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। बेस्ट यह है कि भाई आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो रात को सोने के पहले, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस करो। सेल्फ हिप्नोसिस आप करते हैं खुद को पूरा रिलैक्स करना, और रिलैक्स करके आप सो रहे ऐसी कल्पना करना, विजुअलाइज करना, और कुछ तो भी ऐसा दिमाग में लाना, समझो कोई मंत्र है वो मंत्र आप बोल सकते हैं, या कोई अच्छी जगह पे आप जा रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है, प्रसन्न लग रहा है, खुशी लग रही है, ऐसी जगह पे आप घूमने गए हो तो वो एक चित्र दिमाग के सामने ला सकते हैं। पूरा बदन रिलैक्स है और आप गहरी गहरी, आपको नींद आती जा रही है, नींद आती जा रही है, और आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ऐसी सूचना देके बेड पे लेटेंगे, पूरा बदन रिलैक्स करेंगे तो फटाक से नींद आ जाएगी। तो इसे ये स्लीप हाइजीन है, ये स्लीप हाइजीन का इस्तेमाल आप करते हैं
तो डेफिनेटली आपको कोई भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद आती नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। और आप सुबह जब उठेंगे तब तो आप फ्रेश उठेंगे। यूजली 6 से 8 घंटे की नींद आदमी को मतलब पूरी हो जाती है, 6 से 8 घंटे। किसको 6 घंटे में ठीक लगता है, किसको 8 घंटे में ठीक है। एवरेज मैं 7 घंटे 7 घंटे में रिकमेंड करता हूँ। तो वो 7 घंटे की नींद आप लेते हैं तो आप दूसरे दिन अच्छा फ्रेश काम कर सकते हैं। और अच्छी नींद के लिए एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि टाइमिंग बहुत फिक्स होना, मतलब रोज़ आपके बेड पे जाने के टाइमिंग जो है वो फिक्स है। ऐसा नहीं होना कि कभी 10 बजे सो रहे, कभी 1 बजे सो रहे। ऐसा रहा तो फिर नींद आती नहीं, वो जो संकेत जाते सर्कैडियन रिदम के जो संकेत जाते ब्रेन को, वो ठीक जाते नहीं है। तो आपका टाइम यदि फिक्स रहा तो बराबर वो दिमाग का कंडीशनिंग होता है और वो समय पर बराबर नींद आ जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होंगे नींद के, आपके संपर्क में जो लोग होंगे उनको प्रॉब्लम होंगे। जरूर ये वीडियो उनको शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद में जो घंटी आती है उसके ऊपर भी प्रेस करो ताकि मेरे वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। हमारा जो मिशन है वह है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जरूर जरूर ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।